हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टैली अपडेट। फ्रेंड्स, टैली अपडेट आपके पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में से एक और BTS अपडेट के साथ वापस आया है। आयशा सिंह, नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा बिला तरतीब साई, विराट और पाकी के किरदार अदा कर रहे हैं। लीड तीनों के दरमियान मुसावात हमेशा बदल रही है। गुम है किसी के प्यार में अपने दिलकश प्लॉट और अपनी पूरी कास्ट की उम्दा और हुनरमंद अदाकारी के साथ TRP रेटिंग्स में सबसे ज्यादा शोज में से रहने में कामयाब रहा है। सामीन विराट, पाखी और साई की तीनों को देखना पसंद करते हैं। इनकी जिंदगी को जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि नए चैलेंजेस आते रहते हैं। तहम समझते हैं कि शो की एक साथ ही वह चीज नहीं है जो हमारे नाजरीन को दिलचस्पी देती है, और वो ये जानना पसंद करते हैं कि शो में ऑफ कैमरा क्या होता है। शो गुम है किसी के प्यार में जहां ज्यादातर अदाकार बेहतरीन होते हैं, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ऐसा लगता है कि करिश्मा ने आखिरकार इस बारे में खुलकर कहा है कि वो अपने ऑन स्क्रीन पति मोहित उर्फ विहान वर्मा से क्या चाहती है। लिहाजा अब हम सोचते हैं कि विहान के पास इस बात का वाज़ेह इशारा है कि इसकी ऑन स्क्रीन बीवी कितनी तवज्जो चाहती है, और वो इसके बारे में कुछ कम राजी नजर नहीं आती। यहाँ तक कि शो गुम है किसी के प्यार में साई और विराट के दरमियान साई ने मोहित से पूछे गए सवालात पर बहस की, और साई विराट से कहती हैं कि वो इसके दर्द को नहीं समझ सकता क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो वो इसे पूजा का इंतमाम करने का मौका देने से इनकार नहीं करता। विराट को समझ नहीं आती कि साई बार बार पूजा के मौजू पर क्यों आते रहते हैं, और साई इसका सामना करती है अगर वो वाकई अपने मुर्दा बेटे को भूल गए हैं, और विराट दंग रह जाते हैं ये बात सुनकर। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। अटेंशन, 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 मोर अटेंशन, अटेंशन नाउ प्लीज।